12 नवंबर 1993 में आई सुपरहिट फिल्म बाजीगर को निर्देशित किया था अब्बास मस्तान ने और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, राखी, दिलीप ताहिल और जॉनी लीवर। इस फिल्म को संगीत से सजाया था अन्नू मलिक ने। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर बाजीगर सन 1993 की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी के करियर को एक नई दिशा दी। शिल्पा शेट्टी ने बाजीगर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और शाहरुख और काजोल की साथ में ये एक पहली फिल्म थी। 1992 में आई खिलाड़ी के बाद निर्देशक अब्बास मस्तान की ये दूसरी बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म बाजीगर से पहले शाहरुख खान ने 7 फिल्मों में काम किया था। यह उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर निभाकर अपने करियर के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। हुआ यूँ था कि एक बार शाहरुख खान अब्बास मस्तान के ऑफिस किसी दूसरी फिल्म की कहानी सुनने के लिए पहुंचे थे। कुछ समय बाद अब्बास मस्तान बाजीगर में विक्की मल्होत्रा के किरदार के लिए दिल्ली से संबंध रखने वाले एक लड़के की तलाश करने लगे। इसके बाद उन दोनों को लगा कि बाजीगर में शाहरुख खान के साथ दाव खेला जा सकता है। अब्बास मस्तान ने फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान के विक्की मल्होत्रा वाला कैरेक्टर सुनाया तो शाहरुख खान को वो कैरेक्टर पसंद आया और उन्होंने तुरंत इस कैरेक्टर को करने के लिए हाँ कर दी। शाहरुख खान को फाइनल करने के बाद अब्बास मस्तान ने इस फिल्म के लिए काजोल और शिल्पा शेट्टी को लिया। फिल्म बाजीगर सन 1993 की बड़ी हिट साबित हुई। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार मिला। जब उन्हें यह पुरस्कार मिला तो वो उसी समय भिंडी बाजार में मौजूद अब्बास मस्तान के घर गए और वहां पहुंचकर शाहरुख खान ने अब्बास मस्तान के पैर छुए और कहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, इसीलिए उन दोनों के आशीर्वाद के बिना वो घर नहीं जा सकते थे। तो दोस्तों, बाजीगर को रिलीज़ हुए आज 29 साल हो गए और दोस्तों इन 29 साल में काफ़ी कुछ बदलाव आया है बॉलीवुड में और बॉलीवुड जैसे पहले था आज भी चल रहा है। हालांकि ये बात और है कि आज बॉलीवुड की चमक जरा थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड जैसे चल रहा था दोबारा फिर से चलने लगेगा और दोस्तों फिर से एक बार फिल्मों की झड़ी लगेगी। और 2023 में वैसे ही सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक दोस्तों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। थैंक यू दोस्तों।